हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में दो फॉर्मूलाज को एक साथ जोड़ के यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसानी के साथ ये किया जा सकता है। एक्सेल में तो आप करते ही हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी इसे कर सकते हैं और इसको लेकर के वीडियोज भी काफी कम अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी वीडियो बनाई जाए। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े गए हैं, यानी कि सिटी का नाम नहीं लिखा हुआ। कई जगहों पे सिटी की नाम लिखी हुई है, कई जगहों पे नहीं लिखा हुआ है। इसको हमें देखना है और इसमें समझना है कि इसको हम कैसे करेंगे। यानी कि जहां सिटी का नाम नहीं लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ आ जाए प्लीज एंटर द नेम ऑफ सिटी, ठीक है, और जहां लिखा हुआ है सिटी का नाम वहां ओके मैसेज आ जाए, या कोई ऐसा मैसेज आ जाए एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं और ये जो टेबल है उसको इंसर्ट करवा लेते हैं। इंसर्ट करवाने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक ही साथ में इसे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें एक बार में आ गई हैं। अब हमें यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला वो चलिए देखते हैं। एक्सेल में तो आपने बहुत ही सीखा होगा, ठीक है, लेकिन एक्सेस में शायद ना सीखा हो। तो हम यहाँ पर इज नल जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो सिटी के लिए हम ये लगाएंगे कि सिटी में कोई ऐसा सिटी जो नाम छूट गया हो सिटी का, उसके लिए क्या मैसेज देंगे हम, वो चीज देखेंगे और उसमें दो फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले आई इफ लगाता हूं मैं और आई इफ फॉर्मूले के बाद यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा इज नल। ओके, तो ये लगाया हमने इज नल, तो पहले तो आई इफ लगा लिया हमने, फिर लगा लिया इज नल। ओके, और इज नल लगाने के बाद यहां पर क्या करना है, चूंकि हम सिटी के लिए यूज कर रहे हैं, आप जिस भी पैरामीटर के लिए यूज करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। हम सिटी के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमने सिटी दे दिया। ओके, और सिटी देने के बाद क्या करना है आपको, सिटी देने के बाद यहाँ पे खत्म हो गई तो आपको क्या करना होगा, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको भी क्लोज करना होगा, देन कॉमा देना होगा। अब अगर ऐसा होता हो, ठीक है, सिटी अगर नल हो तो क्या मैसेज आना चाहिए, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए प्लीज राइट द नेम ऑफ सिटी, ठीक है, इतना लिख दिया, कॉमा दिया। अगर ऐसा न हो तो क्या हो, मतलब कि अगर आपने सिटी का नाम लिख दिया हो तो क्या होगा, तो फिर यहां मैसेज आ जाए ओके का, ओके एवरीथिंग इज गुड, ये मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़ेगा ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है, ये देखिए ये पूरा मैंने विड्थ बढ़ा दिया है। अब यहां से आप देख सकते हैं ओके एवरीथिंग इज गुड, ये मैसेज दिखाई पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली। तो जैसे ही रन पे क्लिक किया तो यहां पे ये देखिए अभी यहां पे सिटी लिखी हुई है, ओके एवरीथिंग इज गुड लिखा हुआ है। यहां पर देखिए यहां पर भी सिटी लिखी हुई है, ओके एवरीथिंग इज गुड, लेकिन यहां पर देखिए प्लीज राइट द नेम ऑफ सिटी, ये आ रहा है ना। अगर मैं यहां पर सिटी का नाम लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया देवरिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अपने आप मैसेज आ जाएगा ओके एवरीथिंग इज गुड। तो ये इस तरीके से दोनों को ज्वाइंट करके और ये इस तरीके से हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्सेस में। और भी चीजें हैं, और भी फॉर्मूलाज हैं, और भी तरीके हैं, तो इन सब की चर्चा करते रहेंगे हम। चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।